इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा परसेंट उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, क्वार्टर टू का जो रिपोर्ट आई है। देखिए कोरोना उधर भी, कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, ठीक है, जब ऑल कंट्री बैकफुट में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 प्रो मैक्स की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है, कुछ असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। असेंबल इंडिया में हुए, अमेरिका में उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन वो मेड इन इंडिया और बड़ी बात है। बिल्कुल ये बिल्कुल, लेकिन उसमें आप देखें कहीं ना कहीं उस फोन में भी थोड़ी सी आई है, ठीक है, लेकिन उसने एक अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है, स्टार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल पहला वाला प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ डाउन पर लाया होगा कहीं पर करें। वो ना जनाब होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो है ना वो मसला है, हम हाँ एजुकेशन जहाँ की ये देखें आप, इंडिया को हम कहते हैं ना इंडिया ये है वो है, वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना तो वो फर फर इंग्लिश बोलता नज़र आएगा, और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। ये मायार है, और जब मायार ही हमारा तलीमी नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ क्या हुआ है, इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए, इंडिया क्या गया भारत में जाके बैठ गए। देखें इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, लगता है ये सिर्फ एक रीजन क्या है कि वो मार्केट बढ़ी है। आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर सोशल ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है, जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनको क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते। अब आप देखें कि हर चीज जो है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है, दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया है, वो हम सब उसको मानते हैं, लेकिन जब हॉकी या क्रिकेट की बात आ जाती है तो हम कहते नहीं जी ऐसे ऐसी है। हालांकि वो भी अभी क्रिकेट में इस टाइम दुनिया में नंबर वन जो ODI टीम है वो इंडिया की हो चुकी है। अब देखिए इंडिया में है, इंडिया में वो अपने घूमे के साथ खड़े हुए हैं, उनका वहाँ पे लास्ट अभी जो इनका चीफ ऑफ आर्मी रिटायर हुआ है उसका बिल्कुल एक घर निकला है, ठीक है, ऐसा ही है। अब हमारे पास का जो चीफ ऑफ आर्मी रिटायर हुआ था उसका पूरा स्टैंड निकल आया था, अब ये एक जरा कितना बड़ा फर्क है बिल्कुल देखें। अब यही मेन है, सोच का फर्क कैसे आया, ये हमारी मतलब ये है कि प्रायोरिटीज का फर्क कैसे है कि उनकी प्रायोरिटीज है अपनी नेशन और हमारी प्रायोरिटीज नो डाउट आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर की इकोनॉमीज या GDP की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही है और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही, लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी GDP दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी प्रेडिक्शन की कि इंडिया इस लेवल तक अपना ग्रोथ कर पाएगा, इस लेवल तक ग्रोथ कर पाएगा, लेकिन 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, UK हो, इवन US हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से इंडिया है। क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी आबादी है या इसके अलावा उनके दूसरी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी मैटर करती हैं? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़िक्रिया गोंदल। और आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BScS करूँ कहते हैं यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पूरी दुनिया की बात करें GDP के हवाले से, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं कोरोना के बाद खास तौर पे उनका जो ग्राफ है, जो ग्रोथ का ग्राफ है वो डाउन हुआ है। चाइना की अगर बात करें वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा, जापान की बात करें और भी बहुत से कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान में जो इस टाइम GDP की कंडीशन है ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? देखें सबसे पहले कोविड के बाद बहुत सा डाउनफॉल आया करेंसी के हवाले से भी। देखें आप जिस तरह सबसे बड़ा यूके में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वहाँ से लोगों को उनका रोज का छीन के उनको उन्होंने आउट ऑफ कर दिया अपने से, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात देखें,
हर कंट्री में ये सारा कुछ हुआ। इसकी मेन वजूहत यही थी कि कोविड से बाद से सारा कुछ ये स्टार्टअप हो चुका हुआ था, ठीक है। अब अमेरिका देख लें, अब लाइक मैं प्रोग्रामर एज वेल फ्रीलांसर, मैं वहाँ से प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ। जो पहले SEO का रेट था वो अब वो रेट हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि जिस कस्टमर से हम बात करते हैं, हमने उनको ऑफर करते हैं रेट्स वगैरह, वो कहते हैं लाइक मेरा इस पर कारोबार नहीं चल रहा, लाइक मेरे पर डाउनफॉल चल रहा है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही सारा कुछ चल रहा है। आपने बोला ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको एक न्यूज़ ऐसी बताऊंगा जिसे सुन के शायद आप पहले तो यकीन नहीं करेंगे, अगर यकीन करेंगे तो हैरान भी साथ ज़रूर होंगे कि इंडिया जो कि नेबर कंट्री है 7.6% ये जो उनसे अभी जो उनसे रिकॉर्ड वो हुआ है उन्होंने ग्रो किया है। क्या कहना चाहेंगे, उनकी GDP पूरी दुनिया में अगर चाइना की बात करें उस तरीके से नहीं ग्रो कर पाई, US उनकी मुकाबले में नहीं ग्रो कर पाया जितना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ग्रो किया है अपनी GDP को। देखिए इंडिया कोरोना उधर भी कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफुल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 Pro Max की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है, कुछ असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। असेंबल इंडिया में हुए, अमेरिका में उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन वो मेड इन इंडिया और बड़ी बात है। बिल्कुल ये लेकिन उसमें आप देखें कहीं ना कहीं उस फोन में भी थोड़ी सी आई है, ठीक है, लेकिन उसने एक अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है। स्टार्ट है बिल्कुल, उसका पहला वाला प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ डाउन पर लाया होगा कहीं पर। बट एप्पल की बात कर ली ना, किसी एक प्रोजेक्ट की बात आपने कर ली, ओवरऑल क्या वजह समझते हैं उनकी इकॉनमी का इस तरीके से ग्रो करना और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड बता रहा है या जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए वहाँ की जो आवाम है ना, वो अपनी हुकूमत से मिलकर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अब पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में एज आ हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, वो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ये कह रहा है मेरी जेब में पैसे आ जाएं, आप कह रहे हैं मेरी जेब में। बिल्कुल, अब देखिए इंडिया में है, इंडिया में वो अपने हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, उनका वहाँ पे लास्ट अभी जो इनका चीफ आर्मी स्टार रिटायर हुआ है उसका बिल्कुल एक घर निकला है, ठीक है, ऐसा ही है। अब हमारे पाकिस्तान का चीफ आर्मी रिटायर हुआ था उसका पूरा स्टैंड निकल आया था। अब ये कितना बड़ा फर्क है, बिल्कुल देखें। अब यही मेन है, सोच का फर्क कैसे आया, ये हमारी मतलब ये है कि प्रायोरिटीज का फर्क कैसे है कि उनकी प्रायोरिटीज है अपनी नेशन और हमारी प्रायोरिटीज, नो डाउट आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर ग्रोथ की तरफ डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैंने इसलिए पहले कोरोना की बात की कि मतलब यह है कि यही कहा जाएगा कि भाई कोरोना की वजह से ये हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन उस कंट्री में भी दुनिया पूरे दुनिया में कोरोना आया, तो वो कैसे मतलब क्या? अगर जब तक हम लोग एज ए नेशन नहीं सोचेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं हूँ ना, अब मुझे एक चीज़ आती है, मैं अपना हुनर किसी को आगे नहीं दूंगा, अब वो समझे कि मैं एक हो गया हूँ, मिल के नहीं चलेंगे हम तो। अब मुझे मतलब कि मैं एक दिन रह रहा हूँ, दो दिन रह रहा हूँ, मैं कब तक जिंदा हूँ, ठीक है। मुझे ये चाहिए कि लाइक मेरे पास जो हुनर है, मैं अपना हुनर लोगों को बांटूँ, ठीक है। कल को कुछ ना कुछ होता है तो बैक हैंड पे वो चीज़ की एक सीट जो खाली होती है उसके लिए बंदा हो, ठीक है। एक ये है, और दूसरा लाइक हम सबको इत्तेफाक करना चाहिए, यही हमारी है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सवाल सेम यही है, पहले तो ये बताएं हैरत हुई है, और ये इस खबर को आपको लगता है कि ये मानने वाली खबर है कि भाई पूरी दुनिया इस टाइम जिस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही, इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा परसेंट उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, क्वार्टर टू का जो रिपोर्ट आई है। ब्रो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान को बने हुए मेरे ख्याल से 74-75 ईयर्स अराउंड अबाउट जितने भी हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आज तक साफ़ पानी नहीं पी सके, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान शुरू से रहा एक बड़ी गंदी सियासत का शिकार। आज भी हमारे कंट्री में अगर कुछ चल रहा है ना, तो वो अपर लेवल पे देख लेना तो सियासी मसले जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एक नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स में है, किसी को लगता है कि जी ये होना चाहिए, किसी को लगता है वो होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का हुसन है ना कि मतलब आप किसी की राय से इख्तलाफ कर सके, ये तो बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात देखें, शाउट सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, अवेयरनेस जो है वो किसी भी कौम के लिए या किसी भी कौम के लोगों के लिए वो बड़ी ज़रूरी है। अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है ना, दे आर नथिंग ब्रो, वो ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं और ना वो अपनी लाइफ में कुछ बनेंगे और ना कुछ करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो हुक्मरान पीछे गुजरे हैं, आपको क्या लगता है कि वो कितने अवेयर हैं? एजुकेटेड कितने हैं, अवेयर कितने हैं? एजुकेटेड होना एक अलग चीज़ है, एजुकेटेड अवेयरनेस का हिस्सा नहीं है। चलो एक बात है कि इंसान पढ़ता लिखता है तो वो सीखता है चीज़ों को, ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, लेकिन जो एक शऊर होता है ना, वो इंसान को एक अच्छी तरबियत से, ठीक है, वो उसका हिस्सा है। एक आपको अच्छी तरबियत मिली हो, अच्छी क्वालिफिकेशन मिली हो, अच्छे लोग मिले हों,
आप बिजनेस को समझते हो, आप किसी भी चीज के बारे में, बिजनेस को नहीं, जो जिस हाँ जिस फील्ड में जो है वो उस फील्ड को कम से कम जानता हो कि हाँ भाई इसमें ये एक्सपर्ट, ठीक है। अब हमारे जो हुक्मरान है वो किन चीजों में एक्सपर्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, और वो करप्शन में एक्सपर्ट, करप्शन तो भाई माशाल्लाह ना जितने भी केस चल रहे हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इमरान खान की, वो इसलिए नहीं करूंगा कि वो पर्सनली मुझे पसंद है, कि इमरान खान बड़ा खूबसूरत इंसान है, मैं तो भाई इसलिए मुझे पसंद है, मुझे असल में उसका विजन पसंद है, ठीक है, मुझे असल में जो वो जिस तरह से सोचता है या वो जिस तरह से मुआशियत की जो हेल्प करना चाहता है, वो जिस तरह से वो लोगों को अवेयरनेस दे गया, आप कसम से अगर आप देख लें कि बैकेंड भी अगर आप चले जाएं, आप नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें या पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख लें, उस टाइम के लोग उठा लें और आज की जनरेशन को आप उठा लें, आपको उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। ज़मीन आसमान का डिफरेंस है या नहीं है, नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मतलब आज हम किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करें, मैं गारंटी से कहूंगा नो डाउट कोई सेट भी है, कोई अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 80% 70% हम अगर यूथ से या नौजवानों से बात करें, उन्हें जॉब्स का इशू है, अगर हम अपने जो उनसे बड़े लोगों से बात करें, यहाँ पे जो वर्कर हैं इनसे लेट्स सपोज बात करें, वो भी कहेंगे कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। वजह क्या है कि मतलब एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत करते हैं, दूसरी साइड पे कोई भी फील्ड हो हम उसमें वर्क नहीं कर पा रहे। सिंपल एंड स्ट्रेट मैंने जो स्टार्ट में आपको बात की थी कि जब तक हम अपनी ये गंदी सियासत के झंझुल से नहीं उठेंगे, हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, हमें एक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा। देखें, डिपेंड करता है अप लेवल से, आपने अगर टैक्सेस लगाने हैं वो अप लेवल से लगाएं। देखें, जो अपर लेवल पे जिनको टैक्स पड़ता है 40 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपये देगा, 30 लाख माफ़ करवा लेता है, ठीक है। गरीब बंदे ने अगर 20 देने ना तो उसने 20 देने ही देने, उसकी 20 दिए जान ही छोड़नी, ठीक है। नेबर कंट्री अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, GDP हो उनका या आए दिन कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ डेली। देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। ये सिर्फ एक रीज़न, मैंने अगर आपको पहले अवेयरनेस की बात की थी वो तो शायद वो मोदी में भी ना हो, लेकिन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है, आज भी उनके काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं, दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर सोशल ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है? जो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते, जो बेचारे भूख से मरते हैं उनका क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते, आज जो फलस्तीन में हो रहा है उनका वो डाटा क्यों नहीं शेयर करते? वो तो एक अलग ही कंसर्न है ना, वो एक टॉपिक ही अलग है कि जो फलस्तीन में हो रहा है या जो इसराइल में हो रहा है। देखें, वो भी तो डिबेट, वो मतलब के करनी चाहिए नो डाउट, हमने 10 से 15 वीडियोस उसके ऊपर भी रिकॉर्ड किए हैं कि भाई जो वहां पे हो रहा है किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम पे मैं ये नहीं समझ, मैं मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ओपिनियन है कि शायद हम इस वजह से पीछे रह गए हैं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ होता है हम सबसे पहले उसके ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, अपने घर को बेहतर करने का हम शौक नहीं रखते, अपने घर के ऊपर बात नहीं करते, अपने घर के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात ऐसी है, अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले इंसान को खुद को बेहतर करना चाहिए, ठीक है। हम पहले अपने आप को देखेंगे यार, हम अगर मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अपने घर के लिए क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही है कि मैं अगर हर चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, किसी अच्छे को चाह रहा हूँ, तो मैं कितना को अच्छा करने के लिए घर से निकलता हूँ, मैं कितने लोगों को अच्छा करता हूँ या भला सोचता हूँ या मैं भला करता हूँ, जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएंगी। देखें, मैं अब यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कौमियत की ये वो, लेकिन मेरा दिल क्या है कि मैं इसको लूट लूँ, उसको खा लूँ, ये वो, और आज की जो सियासत है वो यही है, वो बैठ के आपको बस अब थोड़ी सी सिंपथी दिखाते हैं, जी हम आपके साथ ये है, हमें सारा पता है, ये है वो है, लेकिन फिर कुछ नहीं बात की। लास्ट में बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, आपने बोला कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, अगर मार्केट की बात करें यानी आबादी की बात करें, हम भी दुनिया की 6ठे नंबर पे आबादी हैं, 6ठे नंबर पे ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसे तो फिर हमें भी टॉप 10 इकोनॉमीज में होना चाहिए, ये फिर हमें भी इसलिए भाई वो बिजनेस देते हैं, बिजनेस करने भी देते हैं, ये जी ये देखे ना, ये कहें उनकी पॉलिसीज बेहतर है, सिर्फ ये ना कहेंगे उनकी तो यहाँ पे एक तो बिजनेस है ही नहीं है, अगर आप करने चलते हैं उसको करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। तो इधर तो यही है कि जिसकी लाठी है भाई उसकी बहस है, कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई लगता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंज या कोई बेहतरी की उम्मीद? मैंने फिर इमरान खान की मैंने बात स्टार्ट की थी, वो बात कहीं हम ओढ़ ले गए थे, वो बेहतर तो अगर एक इंसान वीएन के हवाले से आता है, जितनी भी उसने आज तक पॉलिसीज बनाई हैं, द वे ऑफ वर्क बताया है, जो भी उसने ट्रैक हमें दिया है,
वो बहुत अच्छा है मेरी जान। अगर हम खान आएंगे तो दोबारा, अगर वो ज्यादा नहीं, अगर वो 10 साल भी अपनी हुकूमत को दे देना, देखें हम इतने को मतलब के बिगड़ चुके हैं, हमें नीचे तक हमारी जो जड़ें हैं वो खराब हो चुकी हैं, जिसको बेहतर करने के लिए बड़े साल लग जाते हैं। किसी कौम एजुकेशन हमें बिल्कुल, किसी कौम को बनने के लिए वो ये नहीं है रात को आप अच्छी बातें कर ले सुबह उठे और कौम तैयार हो जाती है, उसके लिए आपको बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी चीजों को सुधारना पड़ता है, बड़ी चीजों को देखना पड़ता है, वो सारा एक प्लान जो बनता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, एटलीस्ट आप उसको 10 साल दें, उसको उसके तरीके से काम करने दें, आप उसको जितनी भी पार्टी हैं आप कुछ देर के लिए अपनी जो एटीट्यूड है, अपना जो आपका जो जितना भी आपको एक शाही टोले का जो आपको वो होता है सवार, वो आप थोड़ा सा डाउन करके इसका साथ दें, इसको समझ लें पाकिस्तान की बेहतरी। हाँ, आज तक पाकिस्तान में जिसने किया ना वो सियासत किसी ने नहीं की, वो सब ने भाई बिजनेस किया अपना, उन्होंने अपना अपना बिजनेस किया है, अपना अपना बिजनेस तो उनका चल गया, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से चलना चाहिए था, जिस मकसद की वजह से बनाया गया था कि हम दुनिया में अपना नाम करेंगे, नाम हो रहा है, लेकिन वो नाम हो रहा है या बदनाम हो रहा है ये सबके सामने। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासिन हैदरी। आपका नाम सर? शहजाद मुगल। क्या क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ, रोजनामा सरजमीन लाहौर में, और हमारा सरजमीन एचडी टीवी चैनल भी चल रहा है, और एक पार्टी है पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी, उसमें मैं कल्चरल विंग ऑर्गेनाइजर हूँ लाहौर का। यानी इस टाइम हमारे साथ एक जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, एक मीडिया पर्सन और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी इंकलाबी पार्टी के, वो अपना चेयरपर्सन मतलब ये है कि उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की GDP की बात करें, क्या समझते हैं आप? तो एक सियासतदान भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की GDP की बात करें, खासतौर पर नेबर कंट्री इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो रिपोर्ट आई है Q2 की, उसमें वो 7.6% उन्होंने ग्रोथ की है, हमारी जो उनसी है वो माइनस में जाती नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? असल में ये जो GDP है ना, ये दुनिया में एक है ड्रामा। अच्छा। क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसमें ये जो हम चाय पी रहे हैं ना, या ये खोखे वाला है या रेडी बाण है, इसको इन चीज़ों से क्या है? इस बेचारे ने सुबह अपने काम पे निकलना है, और जब इसकी मत मारी जानी है ना, जब इसने थक हार जाना है, तो उस वक्त जाके इसका ये दूध खत्म होना है, फिर इसने जाके अपने बच्चों की रोजी रोटी का कुछ करना है। ये देखें, इनकी ये लेवल तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये आपने बोला कि भाई ये सिर्फ ड्रामा है GDP, लेकिन मैं ये समझता हूँ दुनिया की बड़ी बड़ी जो उनकी कंट्रीज हैं या कोई भी कंट्रीज की बात कर लें, उनका बड़ा फोकस, मेन फोकस रहता है कि अपनी GDP को ग्रोथ। सर GDP क्या नाम बताया था मेरे तो जेन से, GDP ये जो ना पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता, यहाँ पे है इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़हब के नाम पर लोगों को उकसाते हैं, तो ये पाकिस्तान में मुनाफ़िकत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो कोई ऐसा अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ऐसा बंदा आना चाहिए जो जैसे ईरान में खमीनी साहब आए, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, इस तरह का कोई हुक्मरान आएगा तो फिर ही पाकिस्तान की हर चीज़ जो है ना, इकॉनमी भी दुरुस्त होगी, GDP भी दुरुस्त होगी, और आम बंदे को कुछ जो है ना सांस भी कोई आसानी से मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद कोई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी? और आपने बोला कि भाई यहाँ पे मज़हब के नाम पे उस तरीके से उकसाया जाता है या वो चीज़ें की जाती हैं, तो ये सोच तो पब्लिक की भी सोच बदलने की ज़रूरत है ना। जब तक हम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई मज़हब के नाम पे हमने लड़ना नहीं है, हम जो भी हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, वो सब है पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान, ये सोच तो हमें लाने की ज़रूरत है। असल में ना ये देखे ना, जैसे जमाते इस्लामी है, जैसे हम नहीं लेते वैसे जो भी पार्टी लब्बैक है, नहीं मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, तो इन पार्टियों ने बड़ी कोशिश की है कि फलस्तीन के हवाले से इन्होंने इजाज़त भी मांगी है, और इन्होंने अपीलें भी की हैं कि पाक फौज को भी कहा है और मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहा है कि हमें लड़ने और मरने की इजाज़त दी जाए। हम मज़हब से हट के बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में उन जगहों पे जाके गोलाबारी की है और मासूम बच्चों और औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि देख कर ना दिल रोता है। मैं बजाते खुद जो है, मैंने खुद अपील की थी कि मुझे लड़ना नहीं भी आता ना, तो मुझे खुदा के लिए यहाँ से किसी तैयारे में ना वहाँ पे भेज दिया जाए, ताकि मैं वहाँ पे लड़ ना सकूँ तो मर तो सकूँ। तो भी आप कह रहे थे मज़हब से हट के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हाँ, मुसलमानों की जाने के लिए, तो हमारे यहाँ पे मुसलमानों की अपने घर में जो गुर्बत से हम मार रहे हैं उसके लिए हमने नहीं लड़ना, हमने फलस्तीन में जाकर लड़ना।
नहीं ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि हम इधर भी मैं पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी में एक कलीदी करदार अदा कर रहा हूँ। मैं कोई एक तो सेठ आदमी नहीं हूँ, ना मैं जागीरदार का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ और मजदूरी करता हूँ। और मैं पार्ट टाइम में मीडिया में काम करता हूँ, जो फुल टाइम है वो मैं एक मेडिसिन कंपनी है 3A डायग्नोस्टिक, वहाँ पे एज ए सेल्स ऑफिसर हूँ। तो हम लोगों को शऊर यही दे रहे हैं कि ये जागीरदारी सिस्टम जो है ना, इसको तब्दील होना चाहिए, ना कि हम देखें इकॉनमी की जैसे बात है, कोई एक बंदे का मुंह लाल है तो हम थप्पड़ मार कर तो अपना मुंह लाल नहीं ना करेंगे, उसके लिए हमें खुराक खानी पड़ेगी। यानी अगर एक बंदे का मुंह लाल है, यानी वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हमें उससे सीखना तो चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि भाई कैसे उसकी पॉलिसीज क्या हैं, वो पॉलिसीज हम भी फॉलो करें। वो ना जनाब होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो है ना वो मसला है, हम एजुकेशन जहाँ की ये देखें, आप इंडिया को हम कहते हैं ना इंडिया ये है वो है, वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना तो वो फर फर इंग्लिश बोलता नजर आएगा, और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। ये मायार है, और जब मायार ही हमारा तलीमी नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये चीज़ इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई GDP हो या कोई भी ओवरऑल हम फील्ड की बात करें, जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं हमारा बेहतर होगा, हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बीट करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख फराज जी। क्या करते हैं सर? मैं एक छोटा सेक्टर हूँ। करते हैं, ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें, 76 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और हम हमेशा दूसरे कंट्रीज़ की सपोर्ट के साथ ही कभी अगर कुछ करते हैं तो दूसरे कंट्री की सपोर्ट के साथ करते हैं। बात यह है कि जब तक हमारे इस कल्चर में ये कमीशन का सिस्टम रहेगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ जाए। क्या हुआ है, इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए, इंडिया क्या क्या भारत में जाके बैठ गया। तो वो अब देख लें वो कहाँ पे हैं, उनका CEO जो कुछ भी उनका वहीं पे, हमारे फिर वही हैं कि उन्होंने तो हर चीज़ बनाई है, वो चाँद पे भी चले गए हैं और हम माशाल्लाह एक चाँद पे मुत्तफिक नहीं हुए हैं। तो उनके साथ तो जो बात करना या उनके साथ किसी मुकाबला या वो बेवकूफ़ी की बात है। नहीं, ये अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन है, नो डाउट पाकिस्तान में हम बैठ के अगर कंपैरिजन करेंगे इंडिया का तो ये बेवकूफ़ी की बात है। गुस्सा शायद किसी को ये बात बुरी और अजीब लगे कि भाई क्यों, हम क्यों नहीं कंपैरिजन कर सकते, हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते, लेकिन इसकी रीज़न क्या आप समझते हैं? एक हमें तो 76 साल से ही बताया गया कि हमारे में जज्बा बहुत ज़्यादा, हम तो सबसे बेहतर, हम तो सबसे आगे, दुनिया की नंबर वन मतलब ये नेशन हम हैं, ये सारा कुछ बताया गया। अब आप देखें कि हर चीज़ जो भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है, दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया है, वो हम सब उसको मानते हैं, लेकिन जब हॉकी या क्रिकेट की बात आ जाती है तो हम कहते नहीं जी ऐसे ऐसी है। हालांकि वो भी अभी क्रिकेट में इस टाइम दुनिया में नंबर वन जो ODI टीम है वो इंडिया की हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, चेंज आने की कोई उम्मीद नज़र आती है? आपको लगता है कि यार देखो ये सोच ऐसी बदल सकती है? इवन आप तो एक्टर हैं और आपका इंडस्ट्री से मतलब फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो आपको नहीं लगता कि हम इसके जरिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत चेंज के जरिए बहुत चेंज ला सकते हैं, मीडिया के जरिए लोगों की सोच बदल सकते हैं कि यार ये दुश्मनी को छोड़ो, अपने पाकिस्तान पर फोकस करो, रिलेशन बेहतर करो, और जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे दुनिया भारत की बात करें, जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं हम भी आगे बढ़ें। सर हमारे यहाँ फिल्म जो है ना वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन ख़त्म हो गई है, बाकी रहा ड्रामा। हमारा जो ड्रामा था पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का, PTV का, वो पूरी दुनिया में जो था उसका जवाब कोई नहीं, पसंद किया जाता था, अभी भी शायद पसंद किया जाता है पाकिस्तानी ड्रामास को। सर बात ये है कि जब से ये जो अपना वो है ना लोमिनियाटी ये वाले, जब से ये पूरी दुनिया के मीडिया पे इसका जो है वो पंजे गाड़े हुए हैं, वो जो चाहते हैं जो लिखवाते हैं, हमारे जितने भी चैनल्स हैं PTV के अलावा वो उस बात को मानते हैं, वो लिख के देते हैं, वो जो वो कहेंगे वो होगा। तो
पाकिस्तान टेलीविजन में तो ये था कि जिस वक्त आप पुराने ड्रामे देख लें कि फैमिलीज जो थी सारे काम छोड़ के रोटी आगे पीछे हो जाती थी उनकी, लेकिन ड्रामा या पहले खा लो या बाद में खाओ। सर आपका खाना आ गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में आपकी ही फील्ड के हवाले से एक सवाल करेंगे, क्या फ़र्क इसमें थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन या थोड़ा फ़र्क करेंगे भाई, पाकिस्तान के जो ड्रामा इंडस्ट्री है और इंडिया की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट बॉलीवुड जैसे उधर कह लें और यहाँ पे जो उनकी हमारी इंडस्ट्री है, क्या फ़र्क है? क्या सिर्फ यही वजह है कि उनकी आबादी ज़्यादा है तो इसलिए उनकी इंडस्ट्री बढ़ी है, या फिर उनका काम और क्वालिटी भी? नहीं, उनकी आबादी भी ज़्यादा है। अब देखें भारत में जो है, हमारे यहाँ 100 कुछ चैनल हैं, उनके पास जो मेरा ख्याल कोई 800-900 के करीब होंगे, उनकी हर जुबान में ड्रामा बनता है, उनकी हर जुबान में फिल्म बनती है, उनकी कोई तकरीबन एक साल में 1000 के करीब फिल्म बनती है, लेकिन नज़र कितनी आती है, चंद एक या वो ले लें। तो बाकी जो PTV का जो ड्रामा है ना, वो एक्चुअली इसमें जो है दो अपना है फॉर्मेट है ड्रामा फिल्म के, एक है कमर्शियल जो ये फैंटेसी पे बेस्ड है, और दूसरा पैरेलल सिनेमा। पैरेलल सिनेमा वो है जो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा था जो रियलिटी बेस्ड था, कोई स्टोरी होती थी उसके अंदर और उसे जो उसे सबक सीखा। अब उसी जो तो हमारी जो थी ये पैरेलल सिनेमा PTV के ड्रामे को भारत ने एक नया एक नाम दे दिया था, आर्ट मूवी। जी आर्ट मूवी है जी, इसमें नुसरत निशा है, इसमें सुमिता पटेल है, शुभाना आजमी है, फलां है, अमोल पालकर है, ये है वो है, तो एक्चुअली वो PTV ही का ड्रामा था। ठीक है, तो उन्होंने कॉपी किया आपने? वो बिल्कुल वो किया है। तो हमारे से बेहतर, तो लेट्स सपोज अगर उन्होंने कॉपी किया तो हमारे से बेहतर तो वो नहीं कि हमारे से देख के कॉपी करके कहां से कहां चले सर। लेकिन वो अब भी वो ड्रामा जो PTV का ड्रामा है भारत में दावे से कहते तो आज भी नहीं बना सकता है। ठीक हो गया, लेकिन और ये हमारे जो बेवकूफ हैं वो उनको पकड़ के उनकी कॉपी करके तो अपने जितने चैनल चल रहे हैं उसमें कॉपी यहाँ पे हो रही है, कॉपी यहाँ हो रही है PTV में नहीं, ये जो दूसरे चैनल जो हैं वहाँ हो रही है, प्राइवेट चैनल्स में। अच्छा लगा बात करके, और ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।